जब से पावर स्टार पवन सिंह की जिंदगी में उनकी पत्नी ज्योति सिंह की एंट्री हुई है, तब से पावर स्टार पवन सिंह के कुछ समर्थकों में खलबली मच गई है। इन समर्थकों में सबसे ऊपर नाम बताया जा रहा है अनुपमा यादव का। जी हाँ, अनुपमा यादव है जो कि सबसे ज्यादा चिंतित है और चिंतित होना भी बनता है। इन दिनों अनुपमा यादव के करियर में वो उछाल आया है जो उनके समकालीन गायिकाओं में नहीं आया था। जी हाँ, अनुपमा यादव के भाव भी बढ़ गए हैं और आप ये कह सकते हैं कि उनके नखरे भी बढ़ गए हैं। पहले से ज़्यादा टेंट्रम वाली हो गई हैं और एक स्टेज शो करने की अच्छी खासी मोटी रकम भी लेती हैं। ये सब कुछ पवन सिंह के नाम पर है और ये अनुपमा यादव बहुत अच्छे से जानती हैं। अनुपमा यादव ये भी जानती हैं कि पवन सिंह का हाथ हटा तो उनका कैरियर कहाँ जाके गिरेगा, ये उन्हें भी नहीं पता है। लेकिन आपको ये बता देते हैं, भैया से बॉस पर आई अनुपमा यादव की सिट्टी बिट्टी इसलिए भी गुल है क्योंकि ये वही अनुपमा यादव है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले ये कहा था कि वो ज्योति सिंह को नहीं जानती। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? जो पवन सिंह को जानता है वो ज्योति सिंह को जानेगा ही जानेगा। अब कहीं ये ऐसा ना हो कि ज्योति सिंह इसकी भड़ास निकाले और पवन सिंह को ये कहें कि आपको अनुपमा यादव के साथ गाना गाना ही नहीं है। वैसे पवन सिंह के पास गायिकाओं की कमी थोड़ी है। शालिनी सिंह है, शिल्पी राज है, प्रियंका सिंह है, जैसे कई गायिकाएं लाइन में लगी हुई हैं। अब भाई, जिस पर हाथ रख देंगे पवन सिंह, कैरियर तो अपने आप बन जाएगा। बस आजकल अनुपमा मैडम को सिर्फ यही सारी चिंताएं सता रही हैं और ऐसा है नहीं कि ज्योति सिंह अपनी इस बात का, अपनी इस बेइज्जती का बदला नहीं लेंगे अनुपमा से। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।